अच्छा आप किस जगह बता रहे हो? हाँ जी मैं यहाँ से ही जाऊँ। अच्छा आप किस जगह बता रहे हो? हाँ मैं यहाँ से ही जाऊँ। अच्छा आठ ही हो? आठ रह जाऊँ। अच्छा आज 40 वर्ष के अभियान किए तो मैं कभी जात रहा हूँ कोके नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। आपके अंदर इतना मतलब एक भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान के प्रति क्योंकि भगत के बस में भगवान है और ये सब भगत है और इनकी इच्छा है कि मतलब हम भी प्रत्येक यात्री ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक महीने पहले अभी चोरे मैंने नजारा देखा कि फाल्गुन का महीना है और जो भक्तों ने गुलाल उड़ा कर इतना एक बढ़िया मतलब प्रोग्राम दिखाया। क्या तो ये मतलब है भगत सही राम को बाबा राम जी की कृपा से जो होली होती है उसका पहले ही संकेत दे दिया कि इतनी अच्छी और उनके जीवन में विशाल की कामना कर। जय दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं शिवम बीकानेरी। और पिछला नजर आप देख रहे हैं कि सही राम जी जो पेट पकाने यात्रा है वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ रामदेवरा में। फाल्गुन का पवित्र महीना है और आप मेरे पीछे देख जो भक्तों का जो प्यार है वो बड़ा ही एक अलग तरीके से और जो खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही है। कैमरामैन को बोलूँगा कि बड़ा ही एक अलग स्वाद आ रहा है और जो यात्रा है कैमरामैन को कहूँगा कि जो भगत जी की जो यात्रा है वो अभी चल रही है और करीबन हम मंदिर से 500 मीटर दूर है और भक्तों का जो प्यार है और भक्तों की बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो देखने के लायक है। शायद ही आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत और भव्य नजारा है और भक्त का और जितने भी भक्त है वो गुलाल छिड़कर और अपनी जो बाबा के प्रति जो प्यार है स्नेह है वो एक अलग है और जो कलश यात्रा है वो चल रही है। मैं आपको विजुअल है वो बता देता हूँ। जो प्यारे प्यारे भक्त हैं वो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और जो नाचते हुए कूदते हुए जा रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ मंदिर प्रांगण में मात्र 500 मीटर पे और आप मेरे पीछे देखिए थोड़ा आ गई है और पुलिस प्रशासन है वो भी साथ में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन है वो भी साथ में लगी हुई है और साथ में साथ देख रहे हैं कि ये जो दरी है बिछा कर बाबा जी जो है लास्ट यात्रा में आज 13 तारीख है। फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन का पवित्र महीना है। जितने भी दर्शक हैं वो तब तक ही लगे हुए बैठे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजर आपको देखने को मिल रहा है। बाबा रामदेव जी का पवन धरा पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो नजर है वो देखने लायक है और सही राम जी की लास्ट 9 महीने से यात्रा है वो कम्प्लीट हो रही है। जितने भी दर्शक हैं वो दरी बिछा कर बाबा जो है पीछे पेट फुलाने यानी कि अपने शरीर को रगड़ते हुए बाबा के चरणों में आज अपना शरीर है जो वो छोड़ देते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि जो बाबा जी हैं वो सामने आपको दिख रहे हैं, विजुअल आपको लगातार आपको दिखते रहेंगे। इतनी भीड़ है, हजारों की संख्या में जो लोग हैं पहुंच चुके हैं। दोस्तों हमने पिछले भी 4 या 5 वीडियो में बताए थे, शायद आपको मेरी आवाज साफ नहीं आ रही होगी लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो भक्तों का प्यार है बड़ा ही देखने लगे गए और ये जो भक्तों का प्यार है साथ साथ बता दूँ पीछे जो है बाबा जी है वो रेंगते हुए हमें करीबन 300 मीटर मात्र 300 मीटर दूर है और आप मेरे पीछे देखिए बड़ा ही खूबसूरत नजारे। इसे कहते हैं भक्ति में शक्ति और श्रद्धा का जो प्यार है वो इसे कहते हैं और भारत भर में श्रद्धा और विश्वास का जो अटूट रिश्ता है भगवान के प्रति हिंदुओं का वो एक देखने का लायक एक इकलौता आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि सामने मंदिर जो है वो सामने जो मंदिर है वो मात्र 200 मीटर पीछे है। करीबन 1 किलोमीटर जो लंबी लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। जितने भी आसपास की दूर दराज से जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच गई और कलश यात्रा में अपना भाग है वो लिया गया और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे पीछे देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने जो भाग लिया है और कलश यात्रा का जो है भगवान के प्रति जो एक शक्ति होती है, भक्ति है, एक आस जो आस्था का विषय है ये सबसे पहले माना जाता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़र आपको देखने को मिला है, ऐसा ही नज़र आपको कहीं देखने को नहीं मिला। राजस्थान के सभी धार्मिक ऐतिहासिक विलेज लाइफ एक्सप्लोरिंग की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ अभी रामदेवरा की पवित्र धरती पर। फाल्गुनी का महीना है और आज तारीख है 13 और बाबा रामदेव जी और सही राम जी पड़ियार जो लालेरा से रामदेवरा की जो यात्रा थी 9 महीने की वो आज कम्प्लीट होने जा रही है। चूँकि दोस्तों ये बड़ा ही एक पहला और राजस्थान का पहला एक ऐसी यात्रा है जो कि सफल हुई है और सही राम जी का एक दृढ़ संकल्प जो है वो कंप्लीट हुआ है और हजारों करोड़ों जो भक्त है उनकी जो दुख है पीड़ा है वो भी सही हुई थी और काफ़ी चमत्कार है जो टाइम पर मैंने आपको बताए थे।
सही राम जी के जो भाई साहब है उनसे भी बात करते हैं। कहीं कुछ कहना चाहो आज, मतलब सही राम जी फाइनल यात्रा है, फाइनल यात्रा बहुत शुभकामना, हजारों संख्या महीने से की है, माताएं बहने पहुंची, कहीं कुछ लाग रहे बहुत बढ़िया लाग रही। अच्छा, और कंप्लीट कितना दोन पूरा 9 महीने लग गया? हाँ पूरा 9 महीना आगे रही, और अगले साल भी नहीं मतलब बाबा जी यात्रा करे लाएंगे? हम पाचा वापिस जाएंगे तो पैदल यात्रा। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया दाऊ मिलर, और आप भी है श्री राम जी भाई, और हाँ करीबन करीबन 9 महीना है जगह, मतलब सागे है जो संकल्प लियो और सागे रहने का संकल्प लियो है। बाबू जी राम राम। जय बाबरी जय। आप किसी गाँव आया? गाँव आया थोड़ा भी सर लया गाँव। बाबू बहुत बढ़िया कृपा सही राम जी। आप किसी गाँव यात्रा करे हर लय हूँ? अच्छा, एड़ो मतलब नजर हो आप कभी जिंदगी में पहला? पहली बार है साहब, बहुत बहुत बड़े है। अच्छा, कुछ थाने लाग रही है बहुत? अरे भगवान सब खुशी करे आनंद करे, कई हजारों लोग ठीक है। यात्रा में आज कद है आप? मैंने 15 दिन हो गया है। 15 दिन मतलब सागे हो सागे? और बहुत बढ़िया। आप युवा शक्ति और जुड़े, नमस्कार। आप जगमाल सिंह जी? आप सुधु आए हट रामगंज जी? जगमाल सिंह जी, मैं पूछना चाहूंगा आज तक इसी यात्रा मतलब पहला आप रहे, मतलब ये बहुत ही अच्छी मतलब कलश यात्रा है, और बाबा रामदेव जी की असीम कृपा से जो भगत श्री राम जी आए हैं वो तकरीबन आज 1 साल से पेट पलन यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, और ये देख के भी शायद भगवान रामदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही रामदेव जी कृपा से श्री राम जी को काफी भक्तों को परिचय भी दिए, और ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। जगमाल सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि करीबन मैंने 5 या 6 बार मतलब इनकी रिपोर्टिंग की थी, और काफी मेरे आंखों देखे ये पर्चे भी हुए थे, मैं 5-6 बार वीडियो बनाए, मतलब करीबन 4 महीनों से मैं बाबा जी के संपर्क में था, और आज मुझे यहाँ पर बाबा ने खींच कर यहाँ पर लाया, मेरे काम था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत दृश्य मेरे को देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? 200 कलश यात्री है, और श्री राम जी की इच्छा थी कि बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा निकले, भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, और हम भी मतलब हजारों तकरीबन हजारों सैकड़ों यात्री आए हैं, और हमेशा शाम की आरती के समय हजारों सैकड़ों आरती इकट्ठे होते हैं जी। और अगर एक बात पूछना चाहूँगा कि आज के ही दिन मतलब ये लास्ट यात्रा कैसे रखेगी, ये मुहूर्त था या कुछ और? नहीं, श्री राम जी की मन में जो बाबा रामदेव जी का हुक्म हुआ कि दशम के दिन दर्शन करने, और आज दशम है, और श्री राम भगत जी आज अभी 7 बजे आरती में दर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छे, उनका दिल भी खुश हुआ, और उनकी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हुए, और हजारों मतलब लोग उत्सुक मतलब शारीरिक क्षमता से माता होता हूँ मैं जी। और भविष्य में भी वो ऐसी यात्रा करे, लोगों को एक धर्म के प्रति संस्कृति के प्रति मतलब आस्था बढ़ावा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा, और युवा है, युवा से बात कर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे नेक्स्ट बार। मेरा बज्जू है तो कहीं कुछ लाग रहे बढ़िया जोरदार बाबे, बहुत बढ़िया भगत साईं राम, बहुत बढ़िया भगत है बाबे रो। पहला आप पहला मतलब कभी ई टाइप री कलश यात्रा करी? नहीं को देखी नहीं कभी, तो बात भला जो कलश यात्रा की नहीं हो। अच्छा, आप किस जगह? हां जी मैं ऐसे ही जाऊं। चले रहो चले रहो। अच्छा, आप किस जगह बता रहे हो? हां मैं आए थे। अच्छा, आठ ही हो? आठ रह जाओ। अच्छा, आज 40 बरों के अभी आके मैं कभी यात्रा रही को के नहीं। बहुत बढ़िया, चलो।